सिद्धार्थनगर जिले के प्रभारी मंत्री केंद्र सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री चेतन चौहान ने आज नौगढ़ में बने नव निर्मित तरणताल का लोकार्पण किया। 9 साल में बनकर तैयार हुए इस तरणताल पर 9,92,00,000 का खर्चा आया। इस तरणताल में 2 स्विमिंग के लिए 2 ताल बनाए गए हैं, जिसमें 1 ताल बच्चों के लिए और 1 ताल वयस्कों के स्विमिंग के लिए है। तैयार हुआ इस ताल में जिसमें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो सकती है। फिलहाल इस स्विमिंग पूल का लोकार्पण किया गया तो नगर निकाय चुनाव को आचार संहिता लगने से पहले आनन फानन में इस तरणताल का लोकार्पण तो कर दिया गया, मगर बिन कोच के ऐसे स्विमिंग पूल का प्रयोग कैसे हो सकता है? एक नई चीज शुरू हो रही है, कोच भी आ जाएगा, 3 दिन लगेगा पानी भरने में। हमें पता है यार, ऐसे नहीं, हम खिलाड़ी आदमी है, 3 दिन लगेगा पानी भरने में, तो आ जाएगा, कोच की व्यवस्था हो जाएगी। आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती थी और 1 महीने का सवाल है, 1 महीने के बाद तो हम इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे इसको, लेकिन शुरुआत हुई है, कोच भी आ जाएगा, लाइफ गार्ड भी रहेगा, व्यवस्थित होगी, व्यवस्थित पूरी के तरह से चलेगा। यहाँ पर काम शुरू हो रहा है, जनपद के लिए अच्छा काम शुरू हो रहा है, खिलाड़ियों के लिए अच्छा काम शुरू कर रही है ये सरकार, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। देखिए, रिजेक्ट नहीं हुआ होगा, उसमें कुछ कमी होगी, वो जो कमी है वो देख लेते हैं, उसको हम ठीक कर देंगे। यहाँ पे जो है, जो पुराना ठेकेदार था, उसने भी यहाँ पे काम ठीक नहीं किया है, उसके खिलाफ भी जांच करवा देंगे कि पैसा हमने दिया हुआ है, काम पूरा क्यों नहीं किया है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं, जांच हो जाएगी और उसमें जो भी काम होना है वो काम होगा। काम शुरू हो गया है, शुरुआत हो गई है, ये सरकार काम करने वाली सरकार है, आधा अधूरे हम लोग छोड़ने वाले नहीं है।